यमरु भूमा पृथ्वी परमन्या तस्यास्ति पृथ्वी देवजननी पृष्ठेय अग्निमन्ना द्यमन्ना द्यायादधि ओम उद्भुष्पादे प्रतिजादहि त्वमिष्टा पूर्ति संसदेथामयच्च अस्मिन् सदस्ते अद्युक्तमस्मिन् विश्वे देवा यजमान ससीदत ओम दीपज्योति परमज्योति दीपज्योति नमासन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म बुद्धि नमस्तुते आत्म बुद्धि प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे ओम शांति 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 ओम परंपरा है सभी माननीय अतिथि गणों का पटुका पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सौहार्दपूर्ण स्वागत व सम्मान कर करें रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर
प्रयास किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने प्रयास तो किया और किसी ने प्रयास भी नहीं किया। सबने सोचा कि हम क्या उत्तर देंगे, गलत कर दे देंगे। आप गलत दीजिए, उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए, यही सीखना है आपको। इसलिए ताली बजाएंगे जोरदार बच्चे के लिए। प्रार्थना कैसे कहते हैं? किसी सामर्थ्यवान से कुछ मांगना, किसी सामर्थ्यवान से कुछ मांगना। सामने वाले के पास में कोई सामर्थ्य है, उससे हम कुछ मांगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रार्थना। और पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र हो गया। तो कोई भी हमारी परेशानी है, उसको हम प्रार्थना पत्र के माध्यम से, जो व्यक्ति सक्षम है, जिसके पास उसके राइट्स हैं, उससे हम मांग सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में माइक है, आपको यदि माइक की आवश्यकता है तो आप मेरे से मांगेंगे या मेरे पड़ोस में बच्चा खड़ा इससे मांगेंगे? ये आपको जानना पड़ेगा कि प्रार्थना पत्र लिखना किसको, एड्रेस किसको करना है। अक्सर बीमारी की एप्लीकेशन हम लेके जाते हैं तो किसके नाम लेकर जाते हैं? प्रिंसिपल के नाम। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के पास उसका राइट है, प्रिंसिपल आपको छुट्टी दे सकते हैं। अगर आप उसी को एड्रेस करें किसी क्लर्क के नाम, तो क्लर्क को राइट है क्या? ऐसे ही आपको जानना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन अधिकारी होता है और किस अधिकारी का क्या कार्य है, ये हमको जानना जरूरी होता है। जनपद के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में आपको बता दूं। जनपद में देखिए, आपको पता होना चाहिए सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है व्यवस्था करना, अर्थात नियमों का निर्माण करना। आपके घर में भी व्यवस्थापिका होती है, आपके जो माता पिता है। आज मेरा सौभाग्य है कि इस अद्भुत प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला है आप लोगों के आशीर्वाद से। जो सरकार आदेश हुआ है उस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे क्या प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए और क्या हमारे देश में समाज को चलाने के लिए कानून बने हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे बच्चों का वाहन चलाने का प्रकरण है तो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि वो किस अवस्था में लाइसेंस के बिना चला सकते हैं या नहीं। तो आप में से कोई बता सकता है कि लाइसेंस के बिना गाड़ी चला सकते हैं? और काफ़ी लोग चलाते हैं, तो इसलिए सभी लोग जो है वाहनों को चलाएं तो लाइसेंस के बनने के बाद ही चलाएं। इसके मैं आपको नुकसान बताना चाहूँगा कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको बेल में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है, आपने बीमा नहीं कराया है, तो क्लेम की जब पिटीशन फाइल होगी तो आपके परिवारजन से या जिसके नाम गाड़ी है उसको देना पड़ेगा अगर आपने बीमा नहीं कराया है। बात आती है हेलमेट की। अभी मैं आपको यातायात के संबंध में जो वाहनों के विषय में बता रहा हूँ, हेलमेट की, तो हेलमेट के लिए समाज के लोग ये समझते हैं कि ये जैसे अभी किसी से कहा जाए तो कहेंगे क्या बद्देव में भी हेलमेट है, क्या गांव में भी हेलमेट है? तो मुझे नहीं लगता कि शहर में लोहे के सिर हों और गांव में मिट्टी के, या मिट्टी के शहर में हों या लोहे के। किसी भी कानून को या किसी भी चीज़ को ये मान के मत फॉलो करिए कि ये आपके लिए बाध्यता है, ये आपका सुरक्षा कवच है। अगर आपने लाइसेंस है आपके पास में तो आपकी जमानत आसानी से होगी। पहली बात तो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। अगर इनकेस एक्सीडेंट किसी वजह से हो भी जाता है तो आपके अगर लाइसेंस नहीं है तो आपकी जमानत जल्दी नहीं होगी। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर किसी अधिकारी ने या हमारे पुलिस के किसी कर्मचारी ने आपसे कहा कि लाइसेंस लेके चलिए तो आपके लिए सुरक्षा के लिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप बीमा करा के चलिए गाड़ी का तो आपकी सुरक्षा के लिए। अगर एक्सीडेंट आपसे होगा, आपकी गाड़ी का बीमा नहीं होगा तो किसको नुकसान होगा? किसी पुलिस वाले को या माननीय जज साहब को या आपको? तो हम क्यों ना पालन करें? तो
कोई भी कानून बना है, कोई भी हमारा भारतीय कानून बना है केवल आपकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, इसलिए नहीं कि आपको परेशान करने के लिए। लेकिन हम लोगों की एक आदत बन गई है, हम लोगों की एक आदत बन गई है और हमें लगता है कि क्या ऐसा भी होता है। हमारे साथ से नीचे बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड बनाया गया जिसमें विचाराधीन मुकदमे विचाराधीन होते हैं, अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है। तो यहाँ हमारे आने का मतलब ये है कि आप थोड़ी थोड़ी जानकारी दें कानून के हैं, उसका फॉलो करें, सुने, सबको बताएं, पड़ोसियों को बताएं। और इस आप सभी मोबाइल यूज करते होंगे, हमारे समय में हम पर मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ओनली पोस्ट कार्ड से चिट्ठी भेज सकते थे। आप तो मोबाइल हर किसी पर होगा, सभी का मोबाइल होगा लगभग, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल, उसमें फेसबुक पर भी सभी पे आईडी होगी, सभी फेसबुक पर होंगे, नहीं है? अच्छा, व्हाट्सएप भी चलाते होंगे। अगर फेसबुक पर आप किसी का फोटो उसके बिना इजाजत के डाल देते तो ये भी अपराध है, साइबर अपराध। उनकी भी जिम्मेदारी है, स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब आपके परिवार के अंग हैं, इनका किसी भी तरह से हरासमेंट ना हो, ये आपको देखकर इनके अंदर सुरक्षा की भावना जगे, ऐसा माहौल आप जरूर पैदा करें, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। सामान्यतः तहसील स्तर पे हो सकता है आप अभी छोटे हो, आपको बहुत अभी कोई कार्य नहीं पड़ा होगा, लेकिन एक जितने भी गांव में छोटी छोटी बातें हैं, और क्योंकि गांव जमीन से जुड़ा होता है, ज़्यादातर समस्याएं जमीन से रिलेटेड आजकल बहुत आती है, तो उन समस्याओं के निराकरण समाधान के लिए भी लोग तहसील पे आते हैं। हमारा सेटअप है वहां पर, लेखपाल और पटवारी होता है जो गांव के अभिलेख उसके पास रहते हैं, जिस उसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सी जमीन किसके नाम है, क्या उसका मैप है। और कोई है? अंजुम सर, माइक, अंजुम सर, प्रतिभा। बहुत अच्छा उत्तर, करेक्ट। हम सबसे पहले यह जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि हम यह जान सके क्या सही है क्या गलत, और इन सबसे ऊपर हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, राष्ट्र सेवा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें इंसान बनने के लिए पढ़ रहे हैं, निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसी फैक्ट पर फैसला लेना, लेने वाला जज और जो मटेरियल होता है उसको जजमेंट कहते हैं। आप सभी लोग एक अच्छे जज हैं, कॉमन सेंस के मोड में आप अपनी लाइफ को जब इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, कब? जब आप ढांचे से ठल कर आगे बढ़ते हैं, यही आवश्यकता पड़ती है हमारे लिए एजुकेशन की। अवॉइड क्रैकर्स, स्टॉप पोल्यूशन। काहे आप अवॉइड कर रहे हैं क्रैकर्स को? सिंबल क्यों दिया गया पीछे दीवार पर? क्योंकि मुसीबत हम पर आने वाली है। प्रदूषण एक पब्लिक इशू है, उसका दंड हमें को मिलेगा। दिल्ली में जो धुआं पूर्ण वातावरण था, उसका दंड किस देश के नागरिकों को मिला? दिल्ली के लोगों को मिला, जो भी वहां कदम रखा सबको मिला। व्हाट्सएप पे आपने वीडियो देखा होगा या इमेज देखा होगा कि पैरासूट पहने हुए या जो
चंद्रमा पे जैसे जाते हैं यात्री, उस टाइप का सूट पहने हुए लोग से कमेंट कर रहे हैं भैया कहाँ जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ऐसे दिन आ गए। अभी तक जो किए हैं उस पर डिस्कशन न करें। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, वह कहानी है कॉमन सेंस पर। कॉमन सेंस क्या है? हर वक्त कॉमन सेंस से हमें जीना चाहिए। कहानी कुछ इस तरह है। एक जंगल में एक सन्यासी रहता था और शिकारी उस रास्ते जाते थे, ढेर सारे पैरेट्स को जाल में फंसा कर ले आकर बाजार में बेच देते थे। यह बात उस सन्यासी को बहुत खराब लगता था कि इतने तोते मारे जाते हैं। सन्यासी ने ताना फेंक करके सभी तोतों को अपनी तरफ आकर्षित किया, बुलाया और यह सोचा कि क्यों नहीं इनको पढ़ाया जाए, इनको लिखाया जाए। पढ़ाने की दशा में उसने पढ़ाना शुरू कर दिया और एक मटेरियल बताया और वो ऐसे ले सकता कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, हम चुगेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। इतनी चीजें सन्यासी ने सभी पैरेट्स को सिखा दिया। उस जंगल से गुजरने वाले सभी शिकारी परेशान थे कि कोई भी तैयार नहीं था कि यहाँ पर कोई तोता जो है आ सकता है। इसके बाद एक शिकारी जो बहुत ही चालाक था, उसने क्या किया, कहा कि हम क्यों नहीं एक प्रयोग करें। प्रयोग करने की दशा में उसने एक दिन जाल बिछा दिया। जाल बिछाने के बाद सभी तोते वही गाना गाते हुए आए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम दाना फेंकेगा, हम चुगेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। अफसोस ये केवल गाना गाते रह गए और सभी जाल में फंसे और सभी मरे। तो कहने का मतलब है कि आप केवल कट्टू तोता न बने। कॉमन सेंस ऐसा मटीरियल है जिसके आधार पर सही और गलत का ज्ञान हर व्यक्ति को हर वक्त हर समय हो सकता है। या फिर एक दिल दहला देने वाली प्रक्रिया जो कि 150 दिन तक चलती है। इस दौरान बाज एक ऊंचे पर्वत पर अपना घोंसला बनाता है। उस पर्वत की किसी कठोर चट्टान से वो अपनी चोंच को टकरा कर तोड़ देता है। इस दर्दनाक माननीय अशोक साहब, अधिवक्ता जी और हमारे सूत्रधार जो आज हमको रूबरू कराया, मेन होता है कि मोदी जी से मिलवाएगा कौन। वो सूत्रधार जस्ट आप से मिलाने का जो एक हमारे बीच में आज आए हैं समाज सेवी और समाज में कार्य करते हैं, आपका अपना स्कूल भी है, मैं इनके सामने तो बहुत ही छोटा अपने आप को फील करता हूँ कि मैं
ये नहीं कर पाता जैसे आप कर लेते हैं। समाज में कोई भी समाज में कैसा भी एक्टिविटी होनी है तो अशोक शर्मा जी का नाम आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने हमारे बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम रखा, मैं तो ऐसा लग रहा है कार्यक्रम में मतलब बहुत छोटा हॉल हो गया और मेरे दो बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है उन बच्चों को मैं किस रूप में उनको दिखाऊंगा। तो मैं जस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी क्लिप के माध्यम से सभी हमारे पास डालती है, लेकिन जो सर बच्चे जो कहते हैं सर क्लिप में हम बहुत देखते हैं, आज जो बच्चों ने लाइव देखा है, एक अदालत देखी है जो लाइव सबको भी देखा, सभी को देखा, तहसीलदार साहब के बहुत अच्छे वर्ष थे, तो वो चीज लाइव होती है, वो सर लाइव होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी सर असेंबली टाइम में, मुझे नहीं पता था, मैंने डॉक्टर सबसे भी कहा था सर फिर से मुझे बता दीजिएगा, सर की दक्षता इतनी थी कि सर से फोन करना भी बड़ा मुश्किल था, फोन भी अटेंड हो जाए बहुत बड़ी बात। तो समाज में आप बैठे हुए हैं तो ये चीजें पहले समाज के लिए है, उसके कम समय मिलता है, थोड़ा बहुत समय है तो आराम से फोन पे बात हो सकती है। तो मुझे ये पता होता कि वास्तव में ऐसा प्रोग्राम है तो पूरे स्कूल को ट्रैफिक रूल के लिए भैया हेलमेट लगाओ, हेलमेट कंपलसरी है सब लोगों के लिए। हेलमेट लगाना है, हेलमेट कंपलसरी है तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए। नहीं बच्चे के नहीं, उसके लिए भैया हेलमेट लगा के रखा कर यार। हाँ हाँ हेलमेट कहाँ है? Thank you.
रखा हुआ राजू सर ये कंप्लीट आ जाए, ये कम से कम होटल देने के लिए कम से कम